दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, दोस्त, मित्र आदि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कदम कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं। जिस तरह से ये लोग हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं दोस्तों, उसी तरह से कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ सीख देते रहते हैं। शायद हम इसे गंभीरता से कभी नहीं लेते, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जानवरों के द्वारा भी हमें बहुत सारी ऐसी बातों का एहसास होता है जो कि हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको शायद ही विश्वास हो, लेकिन आज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि गधा हमारे लिए एक नई सीख लेकर आता है। यदि हम उसकी क्रियाकलापों को, एक्टिविटी को देखें, तो वो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो गधे की इन तीन चीजों को, इन तीन गुणों को जरूर अपनाओ। मौसम में खुद को ढाल लेना। दोस्तों, गधे को ठंडे और गर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता है और मजबूती से अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचाता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमें मौसम का बहाना लेकर या फिर हमें गर्मी सर्दी का बहाना लेकर अपने कामों को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें क्या पता दोस्तों कि कल हमारे जीवन में कैसा आने वाला है। जो काम हम आज अपने समय पर सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्या पता हमारे लिए वो सुचारू रूप, वो उचित समय कल आ ही ना पाए। जहां समय समय पर कंपटीशन है, कंपटीशन के इस दौर में ऐसा करना व्यक्ति अच्छे अवसर को खो देने जैसा होता है। यदि वो अपने काम को कल पर छोड़ता है, सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति हर कदम पर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो गधे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी बात हम लेते हैं आलस की। जी हाँ दोस्तों, गधा कभी आलस नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के साथ साथ हर काम में सफल होना है तो कभी भी किसी भी काम को लेकर उसे आलस नहीं करना चाहिए। जैसे गधा थक जाने के बाद भी बोझ लगातार ढोता रहता है, निरंतर अपने कार्य को करता रहता है, उसी प्रकार दोस्तों हमें भी अपने काम को लगातार करना चाहिए। हमें आलस का त्याग कर देना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ओहो थोड़ी देर में उठकर हम ये काम करेंगे, क्या पता हमें वो दूसरा पल मिले या ना मिले। अब हमें दोस्तों तीसरी सीख गधे से क्या मिलती है, वो मिलती है जो हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है। जी हाँ, संतुष्ट रहना। जो प्राप्त है वही पर्याय है, ये खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र मंत्र भी है। इसे जितनी जल्दी हम अपने जीवन में अपना ले, उतना ही हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संतुष्टि की ओर ले जा सकते हैं। गधा अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। होड़ की इस दौड़ में हमें भी गधे की भांति अपने जीवन में संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। लालच को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से हम कभी भी परेशान नहीं रहेंगे और खुशियां कभी हमारे द्वार पर आने से नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि हम संतुष्ट रहेंगे तभी खुशियां भी हमारे दरवाजे से लौट कर कभी वापिस नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आशा करते हैं आप अपने जीवन में इन तीन उपायों को अपनाएंगे और खुश रहेंगे।